बन्नू में अटैक हुआ है जिसमें दो पाकिस्तानी नौजवान जवानों की जाने गई हैं और साथ ही साथ 11 के करीब जख्मी हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि अफगानी कोई बशिंदा था जिसने ये अटैक किया। कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जिन्हें तालिबान हम कह लें आम अल्फाज में, वो तालिबान बनाए किसने? देखें अब ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब देखें सबसे पहले तालिबान बनाए 90s में रशियन इन्वेजन को जो रोकने के लिए ना, अमेरिकनों ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई, CIA ने ट्रेनिंग दी, ISI ने उन लोगों को ट्रेन कर दिया और बाद में वही लोग हमारे खिलाफ आ गया। अब हम उन्हें कंट्रोल। अब मेन प्रॉब्लम पता है क्या, अब उनके प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया, उनके फॉरेन मिनिस्टर वो तो नाम नहीं लेते पाकिस्तान का, वो ये कह देते हैं नेबर कंट्री या इस तरीके से हम हर चीज़ में इंडिया इंडिया करते हैं। आप मुझे बताएं रिसेंटली कोई इल्ज़ाम उन्होंने हम पे लगाया हो, साल दो साल तीन साल चार साल में? नहीं नहीं, उन्होंने इल्ज़ाम तो नहीं लगाया है फिलहाल, इधर कई लगा दिए हमने, कहा कि जो बलोची लगा दिए वो इसलिए कि अब उनकी पॉलिसी हमारे हुक्मरानों ने अपना ली है। सबसे ज़्यादा आगे जा रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस वक्त। आपको नहीं पता, आप खित्ते में तन है, जब अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है ना तो उनको अपना 20% प्रॉफिट जो BCCI है ना वो उनको सपोर्ट कर, अफगानिस्तान का पार्लियामेंट इन्होंने इंडिया ने उन्हें बिल्ड करके दिया, उनको थोड़े पैसे दिए, उसके बाद उनके ट्रेन कर रहे हैं। इंडिया की जो ईरान की चाबहार बंदर गए ना वहाँ पे इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहे, तो आपकी इर्द गिर्द जो रीजनल कंट्रीज है ना उन सारों पे इंडियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा है। बांग्लादेश की अगर बात कर लें, हम अपने आप को जो है ना कंपाइल करते हैं, कभी इंडिया से करते हैं कभी यूरोप से करते हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इंडिया में क्या सिस्टम है या यूरोप में क्या सिस्टम है, वहाँ की गवर्नमेंट्स अपने जो शहरियों को क्या सहूलियात देती हैं। आप इंडिया को देख लें, इंडिया को हम कहते हैं वाकई हमारा दुश्मन है और हम उसको दुश्मन मानते हैं। ठीक है, सोच में से बदलने की जरूरत है, लेकिन ये आपकी अपनी जरूरत नहीं है, बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें अभी तक तस्लीम नहीं किया। अगर इंडिया ऑफिशियली इंडिया ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया, अगर इस साउथ एशिया की जो डायनेमिक्स है पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डायनेमिक्स है, सिर्फ ये कश्मीर मसला ही हल हो जाए ना रातों रात डॉलर गिर जाएगा। इसके पीछे क्या मतलब मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, ये तो मुझे जो पाकिस्तान की है स्टेट है ना वो है सिक्योरिटी स्टेट, हमें कंट्री तो इधर हम अफगानी जो कि है भी इस्लामिक कंट्री है, नेबर कंट्री है, उसके साथ जो कर रहे हैं वही ना। यहाँ पे एक उम्मत का जो एक मुस्लिम उम्मा का एक कॉन्सेप्ट है वो भाई अब कहाँ पे है? फलस्तीन में आपको नजर आता है, चाइना में शिनकियांग में लाखों मुसलमान है, अराउंड 1 मिलियन जो लोगों को वहाँ पे उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, उनकी फोर्स एजुकेशन होती है उस पर कोई नहीं बोलता क्योंकि उनको डिमोलिश किया जाता है, ये ऑथेंटिक खबर है। इनके पास यही रवायत है कि अफगानिस्तान ने किया है, ये इंडिया ने किया है, भाई तुमने क्या किया तुम तो बताओ जरा, 76 साल में हमने क्या किया ये तो बताओ। हाँ बस ठीक है, ये सब बातें अब मेरे से ना कलवाओ, ये जो है ना मैं सब समझता हूँ। ये 76 साल का आपने जिक्र किया, ये बड़ी लंबी स्टोरी है। लियाकत अली खान थे ना, तो उनको 1951 में वो अमेरिका चले गए, तो जब यहाँ पे पंडित नेहरू थे 1960s तक ना mid-60s तक, तो उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट की कि हम लोगों ने किसी भी कोल्ड वॉर में प्रॉक्सी में इन्वॉल्व ही नहीं होना, वी आर हाँ हम इन्वॉल्व हुए सीटो सेंटर में, वो लोग तो नहीं हुए ना, उन्होंने कहा हमने न्यूट्रल रहना, और न्यूट्रल रह के ना अब वो अमेरिका से भी उन्होंने लिया, उन्हें रशिया से भी ले रहे हैं, अब वो चाइना से भी ले रहे हैं, और तीनों तरफ से ले रहे हैं। अब हमारे आपको पता है पाकिस्तान उनका अटैक का खबर आ रही है जिसमें दो पाकिस्तानियों की जाने गई हैं और इसके अलावा 11 के करीब जख्मी हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर ये अटैक किया गया है। क्या समझते हैं आपके ख्याल से ये कहां से अटैक हो रहे हैं? अफगानिस्तान का नाम, अफगानियों का नाम लिया जाता है या इसके अलावा और भी कहा जाता है कि बलोचिस्तान से कुछ लोग नाराज हैं, या इवन कुछ लोग ये भी कहते नजर आते हैं ये इंडिया की साजिश है या रॉ की साजिश है, क्या कहेंगे? सर देखिए अब ये जितने भी अटैक्स हो रहे हैं ना, जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है ना तो सबसे मेनली जो हम लोग इशारा करते हैं ना वो दो तीन फैक्टर्स है, बलोच इंसर्जेंट्स पे, अफगान पे, और तीसरे नंबर पे हम लोग ज़्यादातर इंडिया को टारगेट, तीन मेन पॉइंट हमें बताए जाते हैं, ये चीज़ें हम लोग टारगेट करते हैं। लेकिन सारे के पीछे एक हिस्ट्री के ग्रीवेंसीज हैं, बलोच के ग्रीवेंसीज हैं सेंटर के खिलाफ के उन्होंने हमें ये नहीं मिस्ड राइट्स नहीं दिए, अपॉर्चुनिटीज जो हमें मुयसर नहीं आई। उसके अलावा यहाँ पे एक जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, मतलब उनका प्रॉपर तरीके पर शायद हल नहीं हुआ, मतलब जिस तरह अब वजीरस्तान से या उनके ऊपर ऑपरेशन उनके खिलाफ हुए वो सारे भाग भू के इधर आ गए, मतलब उनके एरियाज में फैल गए, मतलब उनके कनेक्शंस दे आर स्टिल देयर। ठीक है सर, भाई आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जिन्हें तालिबान हम कह लें आम अल्फाज में, वो तालिबान बनाए किसने? देखें अब ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब देखें सबसे पहले तालिबान बनाए 90s में रशियन इन्वेजन को जो रोकने के लिए ना, अमेरिकनों ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान मतलब
पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई, CIA ने ट्रेनिंग दी, ISI ने उन लोगों को ट्रेन कर दिया और बाद में वही लोग हमारे खिलाफ आ गया। अब हम कंट्रोल, अब मेन प्रॉब्लम पता है क्या, अब अफगानियों को यहाँ से निकाला जा रहा है। देखिए पाकिस्तान अफगान वार में इन्वॉल्व हुआ, पाकिस्तान को रिफ्यूजीज आए, अब उनको होस्ट करना पड़ा और अराउंड $35 बिलियन हमने इमदाद या एड के तौर पे भी लिया उधर। हमने ये बात नहीं किसी को बताई जाती कि हमने, हमें ये बताया जाता है कि भाई हमने बड़ी हेल्प की अफगानियों की, हमने उन्हें जगह दी रहने को, मुश्किल वक्त में हमने सहारा दिया, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उसके बदले में हमें डॉलर मिले थे। और दूसरी साइड पर ये नहीं बताया जाता कि अफगानिस्तान में जो कंडीशन हुई थी, जो अड्डे यूज किए गए अमेरिका ने, जो अड्डे ड्रोन अटैक के लिए अड्डे यूज किए, वो कहाँ से हुए, ये चीजें हमें मतलब आधी हिस्ट्री बता के ये कहा जाता है अफगानी कितना गलत कर रहे हैं कि हमने उनके लिए सब कुछ किया और वो देखो फिर हमारे साथ। इट इज वेरी आयोनिक कि जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन इकोनॉमीज रही है ना, वो मार्शल के दौर में रही हैं। आपको पता है अयूब खान के दौर की जो GDP थी पाकिस्तान का बहुत हाई था, सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स नहीं हो रही थी लेकिन इकोनॉमिकल हो रही थी। उसके बाद ज़िया में आए, इसके अंदर एक रीज़न है, वो रीज़न आप मुझे बताएंगे नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा उसके ऊपर, वो अयूब खान की नहीं, वो जितना भी मार्शल में वही ना, हर मार्शल में पाकिस्तान कोई ना कोई प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व हुआ। अब ज़िया उल हक के दौर में एक प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व हुए, हमें डॉलर आ रहे हैं तो इकोनॉमी स्टेबल चल रही। उसके अलावा मिडल ईस्ट का आया, मिडल ईस्ट में पेट्रोल आया, लोगों ने बहुत ज़्यादा माइग्रेशन करने तो रेमिटेंस आने शुरू हुए। उसके बाद मुशरफ दौर आया, मुशरफ दौर में आपको नहीं पता लेकिन वो जो गांव देहातों के लिए ना, वो लोग अभी मुशरफ को दुआएं देते हैं। एक तो डॉलर बाद से बहुत ज़्यादा सारे आ रहे थे, इकॉनमी बिल्कुल स्टेबलाइज थी और सड़कों पे, इलेक्ट्रिकल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ लोग काम हुआ, लेकिन ये आर्टिफिशियल इकॉनमी थी, ये एड बेस्ड इकॉनमी थी। अच्छा हम लोगों ने पैसे तो ले लिए कि हम लोगों ने ना वहाँ पे उनको होस्ट करना है, उनकी मदद करेंगे, बट हम लोग कभी फ्लड की सूरत में, कभी अर्थक्वेक की सूरत में, कभी होस्ट ये जो अफगान रिफ्यूजीज हैं इनकी सूरत में, या कभी फिर अफगानिस्तान को ड्रोन अटैक जो होते रहे उनकी सूरत में, हमारी इकॉनमी यानी कि प्रॉक्सी वार के सर पे चल, प्रॉक्सी वार के सर पे चल रही है एड पे। अच्छा यहाँ पे एक और बात चीज बड़ी आती है कि अफगान रिफ्यूजीज को कह रहे यहाँ से निकालो ये वो, और साथ पे ये कह रहे थे इजिप्ट पलस्टीन जो रिफ्यूजीज है ना उन्हें जगह दे, इजिप्ट आने दे। उसके बाद वो कहते हैं जो यूरोप है या ग्रीस है ना, वो जो सीरियन रिफ्यूजीज है उन्हें भाई यूरोप में जाने दो, उन्हें जगह नहीं दे, ये गलत है ये, और खुद क्या कर रहे हैं, नहीं पाए तुम निकलो। सेम ये चीज़ है, थोड़ी कड़वी बातें और ये बातें हर पाकिस्तानी को नहीं पता। बड़ी खुशी हुई है कि ऐसे लोग भी खासतौर पर ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं। मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है, रियलिटी के ऊपर जब तक बात नहीं करेंगे तब तक हम खुद अपने आप को बेवकूफ़ बना के रखेंगे। जैसे कि 76 साल में हमारे हुक्मरानों ने हमें बनाया, इंटरनेशनल लेवल पर हम पे लोग हंस रहे हैं और हम यहाँ पे अपने जज्बाती नारे लेकर बैठे, ये बड़ी गहरी बात की है। कि दूसरी साइड पे हम ये कह रहे हैं कि फलस्तीन के लोगों को जो है वो पनाह नहीं दे रहे इर्द गिर्द के कंट्रीज, और इधर हम अफगानी जो कि है भी इस्लामिक कंट्री है, नेबर कंट्री है, उसके साथ जो कर रहे हैं वही ना। यहाँ पे एक उम्मत का जो एक मुस्लिम उम्मा का एक कॉन्सेप्ट है वो भाई अब कहाँ पे है, फलस्तीन में आपको नजर आता है, चाइना में शिनकियांग में लाखों मुसलमान है, अराउंड 1 मिलियन जो लोगों को वहाँ पे उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, उनकी फोर्स एजुकेशन होती है उस पर कोई नहीं बोलता क्योंकि उनको डिमोलिश किया जाता है। ये ऑथेंटिक खबर है और इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस में भी आवाज़ उठाई गई, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से अगर पूछा जाता है कि भाई आप कभी फलस्तीन, कभी बर्मा, कभी कहाँ कहाँ के मुसलमानों की बात करते हो, ये नेबर में चाइना बैठा है इसके मुस्लिम्स की बात क्यों नहीं करते, रोहिंग्या मुस्लिम्स की, तो उसमें यह कहा जाता है भाई हमें तो नॉलेज नहीं है कि वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या ये मुनाफ़िकत नहीं है। वही ना सर, ये हमारा जो रवैया ना वो मुनाफ़िकत पर मबनी है। उसके अलावा ये जितने भी क्राइसिस है ना, इनका जो इनका जो सोल्यूशन होता है ना वो इवॉल्विंग नेचर का होता है, रेवोल्यूशनरी नेचर का। आप यकदम उठा के बाहर नहीं फेंक सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप मूव करना पड़ता है। आपको कम अज़ कम अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करना चाहिए। अब वहाँ पर देखें तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया है, एक लिहाज से अच्छा, जिस तरह एक कंट्री में एक सेंट्रल अथॉरिटी आती है ना तो स्टेबलाइज होता है। अब अफगानिस्तान में जो अफगान क्राइसिस चल रहे थे तालिबान के टेक ओवर से पहले, जो अथॉरिटी थी ना पावर थी डिवाइडेड थी, डिफरेंट फैक्शंस लड़ रही थी, अब एक सिंगल अथॉरिटी आ गई है ना तो पाकिस्तान को चाहिए उनको थोड़ा बहुत फैसिलिटेट करे, उनके जो ग्रीवेंसीज हैं उनके, यहाँ पे इस वक्त आर्ट ऑफ निगोशिएशन की ज़रूरत है, यहाँ पे डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, यहाँ पे बैठने की उनकी सुनने की ज़रूरत है कि भाई आपको मुझसे शिकवे क्या है, मतलब उन्हें फोर्सफुली हम शिकवे ख़त्म कर देंगे। लेट सपोज अगर हम ऐसा करते हैं चले जाओ, ज़ाहिर बात है जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो जाएंगे, मजबूरन जाएंगे, लेकिन कल को वो ये जो आप तो मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, वो कहते पता नहीं यहाँ कितना, यहाँ क्वेटा तक, पेशावर तक, वो कहते हैं एरिया ही अफगानिस्तान का है, कल को वो तालिबान ही यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम इसके ऊपर, फिर हम कहेंगे ये देखें जी ये इंडिया ने साजिश कर दी, ये देखें जी इंडिया ने फंडिंग कर दी, बीच में इंडिया को हम बीच में ले आएंगे। दरअसल अफगान के ना अब
सिंपल इनको अफगान कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप खालिद हुसैनी के 2-3 नावल्स हैं वो पढ़ लें, मतलब उन्हें पता चलता है। अब अफगान के पहले हमारे ऊपर अंग्रेज़ आए, फिर हमारे सरदारों ने हमारे खिलाफ़ की, उसके बाद पाकिस्तान ने भी हमारे खिलाफ किया। इन्होंने सारे के पीछे क्या चीज़, एक चार डॉलर घूम रहा है, ठीक है। अमेरिका अपनी कोल्ड वॉर में, अपनी प्रॉक्सी जंग में उसने हमें यूज़ किया है, हम यूज़ वहाँ तो जा नहीं सके, यहाँ पे जो उन्होंने हाँ अच्छा ये बताएं, हर चीज़ में हम कहीं ना कहीं इंडिया को कैसे इन्वॉल्व करते थे, खास तौर पे जो भी होता है या इस तरह के इश्यूज होते हैं, हम कहते हैं किया ये बेशक अफगानिस्तान है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे इंडिया, किया ये बेशक बलोचिस्तान है उसके पीछे इंडिया। मतलब आपको लगता है कि इंडिया आज 2023 में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में, आईटी में या दुनिया के दूसरे फील्ड में आगे जा रहा है, उसे इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ऐसा जरूरत रही है? सबसे ज़्यादा आगे जा रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। इस वक्त आपको नहीं पता, आप खित्ते में तन है, जब अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है ना, तो उनको अपना 20% प्रॉफिट जो BCCI है ना, वो उनको सपोर्ट कर, अफगानिस्तान का पार्लियामेंट इन्होंने, इंडिया ने उन्हें बिल्ड करके दिया, उनको थोड़े पैसे दिए, उसके बाद उनके ट्रेन कर रहे हैं। इंडिया की जो ईरान की चाबहार बंदर गए ना, वहाँ पे इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहे, तो आपकी इर्द गिर्द जो रीजनल कंट्रीज है ना, उन सारों पे इंडियन इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है। बांग्लादेश की अगर बात कर लें, बांग्लादेश में भी जिस तरीके से वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, G20 में उनकी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इन्वाइट किया। पाकिस्तान वाकई में ईरान के साथ कैसे तल्लुक है सबके सामने है, अफगानिस्तान के तो अब सबके सामने, इंडिया हम शुरू से हम कहते हैं कि हमने तल्लुक रखने नहीं है, आ जाके चाइना रह गया। हाँ जी, तो वो हमने ब्लेम गेम इसलिए कर, जिस तरह मोदी साहब जब इलेक्शंस होते हैं ना, तो कोई ना कोई फड्डा छेड़ देते हैं, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, ये वो सिर्फ ब्लेम गेम शुरू करते हैं वोट्स लेने के लिए। पाकिस्तान में भी इस तरह की हेटिड को जानबूझ के प्रमोट किया जाता है, मेरे ख्याल से अगर कश्मीर के नारे को प्रमोट कर दिया जाता है। कश्मीर का मसला अगर हल हो सकता तो मुशर्रफ दौर में हो सकता था, जब अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह आए, जब इन चीज़ों पर डिस्कशन हुई थी, निगोशिएशन हो, तो हल की तरफ जा रहा था, अब वो रिवर्स आ गया। अब जब इस पर निगोशिएशन या बात नहीं होगी, ये मसला हल नहीं होगा। और ये मेरा ख्याल है कि सुपर पावर्स भी ये इस चीज़ के हक में नहीं है, क्योंकि वो उनका बैलेंस ऑफ पावर ख़राब हो जाएगा। अगर इस साउथ एशिया की जो डायनामिक्स है, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डायनामिक्स है, सिर्फ ये कश्मीर मसला ये हल हो जाए ना, रातों रात डॉलर गिर जाएगा। इसके पीछे क्या मतलब मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, ये तो मुझे जो पाकिस्तान की है स्टेट है ना, वो है सिक्योरिटी स्टेट, हमें सिक्योरिटी स्टेट पर चल रहा है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो बजट चल रहा है ना, सारा डिफेंस पे लग रहा है। अगर जब डिफेंस का रीज़न ही एक तरह से बॉर्डर आपका फ्री हो गया है, ठीक है, आपका 1700 किलोमीटर का बॉर्डर है ना, वहाँ पर हमने 3-4 लाख जो फौज नफरी डिप्लॉय की हुई है, वो आपकी ओके होगी, आपको फिर जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिकली आपका जो फोकस हो जाएगा एक दो छोटी छोटी चीज़ों पर रह जाएगा, आपका डिफेंस बजट नीचे। इस वक्त जो देखे ना, रशिया का सबसे बड़ा जो आर्म डीलर्स का इंपोर्टर है ना, वो इंडिया है, अमेरिका से कर रहा है, इंडिया कर रहा है, दुनिया में इतने ज्यादा असर शायद कोई और मुल्क नहीं जितना। बड़ी प्रोडक्ट्स डिफेंस के हवाले से बड़ी आइटम्स वो खुद बना रहा है, अभी कुछ दिन पहले की खबर थी, तेजस उन्होंने बनाया, फाइटर जेट जो है वो उन्होंने बनाया, और उनके प्राइम मिनिस्टर भी। अच्छा लगा जी, बहुत से इश्यूज के ऊपर बात की, टॉपिक ये था कि भाई जो हमारा यहाँ अटैक हुआ है क्या रीजन है, लेकिन हमने बीच में कश्मीर भी डिस्कस किया, बीच में दूसरे कंट्रीज को भी डिस्कस किया, ऐसे लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लगता है, कुछ सीखने को भी मिलता है ऑडियंस को भी, हमें भी। लास्ट में बस ये बता दें, कैसे चेंज क्या, ये जो आपको चीजों का पता है, आपने बोला कि भाई हमने डॉलर लिए तो अफगानियों को जगह दी, हमने डॉलर लिए तो ही हमारी इकॉनमी कभी ना कभी अगर स्टेबल रही तो वो डॉलर हमने फंडिंग ली इस वजह से हुई, तो ये रियलिटी हम लोगों को कैसे बताएं, आप जैसे यूथ कैसे, मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान में कैसे ये पता चले? नहीं, ये भी एक ऐसा ना, आई थिंक 2018 या 17 ऑनवर्ड्स चेंज आ रहा है, उससे पहले आप भी मुझसे ये सवाल ही नहीं पूछते, अभी भी है ऐसा, इस तरह के टॉपिक्स पे बात नहीं की। चेंज के गवाह हैं जो आप, इस आप खुद इसके अलमदार हैं, कैसे कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, और यही तरीका है। अब तो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग और भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि अभी बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये चीजें नहीं आ रही। नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो वो नेशनल पॉलिसी के खिलाफ जा रही है ना, वहाँ पे जो नेशनल पॉलिसी है ना उसको, आपको पाकिस्तान में पता है कैद आजम के ऊपर थीसिस बैन है, कैद आजम थीसिस निकाल से, तो कुछ नेशनल पॉलिसीज हैं वो, उन्होंने अपने कुछ नेशनलिज्म को प्रमोट करना होता है, माइंडसेट ऐसा बना दिया गया है कि लेट्स सपोज अगर मैं कहीं पे खिलाफ नहीं, कहीं पे सवाल ही कर दूंगा, खिलाफ नहीं बोलूंगा, सिर्फ सवाल कर दूंगा, तो ये कह दिया जाएगा कि ये गद्दारे वतन है या ये किसी का एजेंट है। जब तक ऐसी सोच होगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें ऐसी यूथ की जरूरत है और ऐसी सोच की जरूरत है। आपने बोला कि इस टाइम पूरे एशिया में बात करें तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतरीन जा रही है, तो हम क्यों नहीं, उनके अगर उनके डॉक्टर जयशंकर हैं जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका
एक्सपीरियंस देखें, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका एक्सपीरियंस, जो बिलावल भुट्टो साहब रहे हैं, फ़र्क बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा क्या समझते हैं, कैसे वो इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशन बेहतर रखे हुए हैं, सऊदीया के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, इजिप्ट के साथ, और इसके अलावा उसके इसराइल के साथ भी रिलेशन बेहतर हैं, उनके यूएस के साथ और रशिया के साथ भी, आप मतलब हर एक कंट्रीज़ के साथ ऑलमोस्ट वो ट्रेड कर रहे हैं, रिलेशन बेहतर हैं। हम यहाँ पे एक साइड पे जाते हैं, दूसरी साइड नाराज़। ये इसके हिस्टोरिकल, अब जैसे लियाकत अली खान थे ना, तो उनको 1951 में वो अमेरिका चले गए, तो जब यहाँ पे पंडित नेहरू थे 1960 तक ना, मिड 60 तक, तो उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट की कि हम लोगों ने किसी भी कोल्ड वॉर में, प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व ही नहीं होना। वी आर, हाँ हम इन्वॉल्व हुए सीटो सेंटर में, वो लोग तो नहीं हुए ना। उन्होंने कहा हमने न्यूट्रल लेना, और न्यूट्रल रह के ना, अब वो अमेरिका से भी उन्होंने लिया, उन्हें रशिया से भी ले रहे हैं, अब वो चाइना से भी ले रहे हैं, और तीनों तरफ से ले रहे हैं। अब हमारे, आपको पता है, पाकिस्तान उनका अलाइड है, अमेरिका से अलाइड है, तो हमें बार बार से, तो हम रशिया से ऑयल नहीं ले सकते, रशिया से आते हैं, हम रशिया से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हम चाइना से भी उस तरह ज़्यादा तल्लुकात नहीं कर रहे, हम ईरान के साथ वो पेट्रोल नहीं इम्पोर्ट कर रहे, हम मिडल ईस्ट से गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा था वो नहीं बना पा रहे। इवन केस किया हुआ है कि भाई जो गैस पाइपलाइन ईरान के साथ मंसूबा था, प्रोजेक्ट था, अगर वो पाकिस्तान उस प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा नहीं उतरेगा तो ईरान इंटरनेशनल कोर्ट पे फाइन की जो है वो अपना केस करेगा। ये सब चीज़ें हो रही हैं अमेरिका के प्रेशर से, लेकिन इसमें अमेरिका की गलती मेरी यानी पाकिस्तानियों की, हर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की है। भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कोशिश करेंगे फिर कभी आपके पास अगर टाइम हुआ तो हम आपसे किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महमूद अहमद। क्या करते हैं सर? मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। किस डिपार्टमेंट? मैं पीटीसीएल से। ठीक हो गया। अच्छा, आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहले तो मेन टॉपिक ये है कि बन्नू में अटैक हुआ है जिसमें दो पाकिस्तानी नौजवान जवानों की जाने गई हैं और साथ ही साथ 11 के करीब जख्मी हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि अफगानी कोई बशिंदा था जिसने ये अटैक किया, खुदकश धमाका था, और ये चीजें हैं। क्या समझते हैं, आए दिन इस तरह के वाकया देखते हैं, कभी बलूचिस्तान में, कभी केपीके में, कभी पाकिस्तान के दूसरे एरियाज में, इसका जिम्मेदार कौन है और ये कंट्रोल कैसे हो सकते हैं? देखिए जी, इसका जिम्मेदार तो मौजूदा गवर्नमेंट ही है, जिसके पास सारे सोर्सेज हैं कि वो इस चीज़ को, अपनी सिक्योरिटी को अपना टाइट करे और इसको कंट्रोल करे अपनी सिक्योरिटी को। और दूसरी वजह ये है कि यहाँ पर डिस्टेबिलिटी है, यानी कोई इतने इस्तेकाम नहीं है गवर्नमेंट में, कुछ सियासी इस्तेकाम हो, कोई मुकामी नुमाइंदों को गवर्नमेंट में कुछ शामिल करें, तो पावर्स हो उनके पास, इख्तियार हो उनके पास, तो वो भी कुछ इस चीज़ में दिलचस्पी लें कि जी ये रोज़ जो बेगुनाह हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो ये भी हमारे भाई हैं, तो इनकी जाने ना जाएं, इनको इनकी इतनी क्वालिटी ना हो, ठीक है ना। अच्छा, इधर एक चीज़ ये है कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस टाइम पाकिस्तान, आपने बोला कि अभी स्टेबिलिटी नहीं है, अभी इस्तेकाम नहीं है, अभी उस तरीके से, पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शोबा, कौन सी ऐसी फील्ड या कौन सा ऐसा अदारा है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भाई सब बेहतरीन चल रहा है इस टाइम, कम अज़ कम ये हमारी फील्ड में हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? नहीं, फिलहाल इस वक्त कोई हमारे पास कोई, आप देखें ना, आप इनके जो तजिया निगार होते हैं या ये हमारे जो मुख्तलिफ एसोसिएशन वगैरह होती हैं जो इस चीज़ की एसेस करती रहती हैं कि हम इस वक्त ज़रात में तरक्की कर रहे हैं या माशी तरक्की हो रही है या इखलाकी तरक्की हो रही है। बड़ी बात ये आपने की है कि यह मतलब ये है कि कम अज़ कम हमें, हमें अवेयरनेस आ रही है, हमें इखलाकियात, ये जो हमारे अपने मैनर्स हैं वो बिल्कुल, हाँ कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये सब काम होते हैं जब तक किसी भी अपने माशरे को सुधारने के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं लेगी कि वो काम नहीं जो है ना सही तक तरीके से हो सकता है। कि हर चीज़ में हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर दें, मतलब इखलाक हमारा नहीं ठीक उसमें भी हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर दें, उसमें तो हमारे टीचर्स, हमारा जो अदारे हैं, हमारे जो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है उसकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, हमारी अपनी जिम्मेदारी। बिल्कुल, हमारी अपनी भी जिम्मेवारी है, ये बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन गवर्नमेंट की इसलिए ज़्यादा है कि अब कहीं देखें ना, इतनी महंगाई हो रही है, अब महंगाई की वजह से ना लोग टेंशन में होते हैं, ठीक है, ऐसे ही है। जब वो टेंशन जब इंसान के दिमाग में क्रिएट करती है तो वो फिर वो कई लोग उसके ना मनफी सोच में आ जाते हैं जहन में, हाँ फिर वो उनसे वो गलतियाँ हो जाती हैं, ये सब चीज़ें मिल के जो ना इंसान के अखलाक को बेहतर करती हैं। अब आप किसी भी महकमे में जाएँ, वहाँ पर आपको बगैर कुछ माशाल्लाह कुछ गिव एंड टेक किए कोई काम नहीं होते। आपका एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज़्यादा होगा, आप देखते होंगे ये चीज़ें, क्योंकि आप तो अदारे में हैं। देखें, टेंशन हो जाती है जब एक आम आदमी किसी भी महकमे जाए, एजुकेशन में चले जाओ या कोई और लोकल महकमा के उसमें चले जाओ, सुई गैस में चले जाओ, पासपोर्ट में चले जाओ, कहीं चले जाओ, करप्शन जरूर है वहाँ। जब तक आप गिव एंड टेक नहीं करेंगे
ठीक है ना, तो वो मुमकिन नहीं होती आपके कि आपका प्रायोरिटी पे काम हो या आपका नंबर आने भी काम हो। वैसे हम ये कहते हैं हर चीज़ में कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है, लेकिन ये सर ने जैसे बात की, मैं एग्री करता हूँ कि किसी भी पाकिस्तान के आप अदारे में चले जाएं, इवन एजुकेशन सिस्टम की अगर बात कर लें, हम अपने यूनिवर्सिटीज़ के मेरिट की बात कर लें, तो वहाँ पे भी जिस तरीके से सिलेक्शन की जाती है इससे हम सब के सामने है, और हमें ये खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है, खुद को देखने की ज़रूरत है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, इंडिया की अगर बात करें क्योंकि नेबर कंट्री है, वो कहाँ से कहाँ चला गया, उनमें भी बड़े इश्यूज़ थे, उनमें करप्शन भी थी, अभी भी शायद होगी, लेकिन अब वो बड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। इस चीज़ को हम मानते हैं कि इंडिया में भी करप्शन है, और इंडिया भी हम हर चीज़ को हम अपने आप को जो है ना कंपाइल करते हैं, कभी इंडिया से करते हैं, कभी यूरोप से करते हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इंडिया में क्या सिस्टम है या यूरोप में क्या सिस्टम है, वहाँ की गवर्नमेंट्स अपने जो शहरियों को क्या सहूलियात देती हैं। आप इंडिया को देख लें, इंडिया को हम कहते हैं वाकई हमारा दुश्मन है और हम उसको दुश्मन मानते हैं, ठीक है। सोच वैसे बदलने की जरूरत है, लेकिन ये आपकी अपनी जरूरत नहीं है, बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें अभी तक तस्लीम नहीं किया। अगर इंडिया ऑफिशियली इंडिया ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं किया, कैसे किया इंडिया ने, देखे ना, वो जब भी उनके मुल्क में कोई भी गड़बड़ होती है वो फौरन पाकिस्तान के ऊपर, चाहे इंदिरा गांधी को देख लें, पिछली सारी तारीख उठा के देख लें, जब भी उनकी गवर्नमेंट डगमगाती है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की बातें करते हैं, वहाँ के अवाम की हमदर्दी हासिल करने की बातें करते हैं, लेकिन इन चीज़ों से हट के इंडिया ने तरक्की की। अगर उसने तरक्की की तो हम कहेंगे तरक्की की है, ठीक है। ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि तरक्की अगर डेवलपमेंट उन्होंने किया तो हमें एग्री करना चाहिए, लेकिन आपने बोला कि हर चीज़ का इल्ज़ाम, पास्ट को मैं ऐसा सच नहीं जानता, लेकिन गुज़िश्ता 4 से 5 साल की मैं गारंटी देता हूं कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा सच किया, उनके फॉरेन मिनिस्टर, वो तो नाम नहीं लेते पाकिस्तान का, वो ये कह देते हैं नेबर कंट्री है, इस तरीके से हम हर चीज़ में इंडिया इंडिया करते हैं। आप मुझे बताएं रिसेंटली कोई इल्ज़ाम उन्होंने हम पे लगाया हो, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में? नहीं नहीं, उन्होंने इल्ज़ाम तो नहीं लगाया है फिलहाल, इधर कई लगा दिए, हमने कहा कि जो बलोची लगा दिए वो इसलिए कि अब उनकी पॉलिसी हमारे हुक्मरानों ने अपना ली है कि यहाँ पर अगर सियासी अदम इस्तेकाम है तो उसमें भी कहीं पे अब धमाका हुआ है, तो हम क्या हम अफगानिस्तान या इंडिया करते हैं, अपने आप को देखो, अपने आप को संभालो, अपने आप के दुरुस्त करो, ठीक है ना। जब आप खुद दुरुस्त हो जाओगे, आप अपनी आवाम के साथ जुड़ के चलोगे तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, समझ गए ना। जब आप अपने आप को अपनी आवाम से दूर करोगे तो यही मुश्किलात पेश आएंगे, हर एक इशू में, हर एक मुश्किल में कोई ना कोई इल्ज़ाम किसी पे लगा देंगे, यानी कि अगर यहाँ पे कोई अटैक हुआ है, यहाँ पे कोई इशू हुआ है, तो हम ये कह देंगे ये उसकी साजिश है, ये अमेरिका की साजिश है, ये इंडिया की साजिश है, ऐसे वक्ती तौर पर तो हम आवाम को बेवकूफ़ बना देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म हमारा अपने आप को खुद जो है ना झांसा देने वाली बात है, अपने दिल को मुतमईन करने वाली बात है। अवाम अब झांसे में नहीं आते, अवाम को सब पता है, इनके पास यही रव जाता है कि अफगानिस्तान ने किया है, ये इंडिया ने किया है, भाई तुमने क्या किया तुम तो बताओ जरा, 76 साल में हमने क्या किया ये तो बताओ। हाँ बस ठीक है, ये सब बातें अब मेरे से ना कलवाओ, ये जो है ना मैं सब समझता हूँ, ये 76 साल का आपने जिक्र किया, ये बड़ी लंबी स्टोरी है, अगर वो क्या किया साल हमारे अच्छे गुजर जाते तो आज हमें ये हालात ना देखने पड़ते, समझ गए। हाँ अच्छा लगा इनसे बात करके, डेफिनेटली सब कुछ अगर मतलब इस तरीके से अगर कैमरे पे बोला जाएगा कहीं ना कहीं पे कोई इश्यूज आते हैं, मुश्किलात आती हैं। सर लास्ट में मुझे ये बता दें, कोई उम्मीद नजर आ रही है 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल में कि यार अब बेहतरी आ जाएगी? देखें जी, मुझे अभी कोई नजर नहीं आ रही उम्मीद, मैं करूँ सीधी सी 5, 10, 15 साल में, वो अब इतने दूर की बात तो अल्लाह ताला ही जानता है, हम अल्लाह पे यकीन रखने वाले बंदे हैं, गैब का इलम तो वही जानता है, कल क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वाले दिनों में हालात में यही है कि दूर दूर तक कोई निशान नहीं है, ये इसी तरह ही सिस्टम चलेगा, हमें इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा, इसी तरह रहना पड़ेगा, हमारी लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जिस तरह गुजार रहे हैं इसी तरह गुजारनी पड़ेगी, तो चले अल्लाह ताला जो इख्तदार लोग हैं।